बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं N24 न्यूज़ एसटी के साथ मैं हूं नाइल अंसीर। नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों पर। बुशरा बीबी की बरिगाला से अडियाला जेल मुंतकिल की दरख्वास्त बहाल कर दी। बुशरा बीबी की बरिगाला से अडियाला जेल मुंतकिल की दरख्वास्त बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकिल की दरख्वास्त पर हतमी दलाइल तलब करते हुए दरख्वास्त पर समाअत 22 अप्रैल को होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकिल की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बरिगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल की दरख्वास्त बहाल कर दी। अब आपको बताते चले कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सोशल वेलफेयर का इजलास मुनक्किद कर लिया। लाहौर पंजाब हुकूमत ने खसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल मलाक के तहत निगवान कार्ड का अजरा कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज ने स्पेशल अफराद का मुस्तैद डेटा मुरतब करने की हदायत भी की। इजलास में खसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगवान कार्ड के अजरा, मसूरी के साथ काम करने वाले अफराद के लिए कर्जा स्कीम का अजरा और मसूरी अफराद को व्हील चेयर और दीगर मददगार आलात मुहैया करने का फैसला भी किया गया। अब आपको बताते चले वफाकी वजीर दाखला ने सिम बंद करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर दाखला का जायदुल मियाज शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम बंद करने का फैसला। वफाकी वजीर दाखला मोहसिन नकवी ने जायदुल मियाज शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम बंद करने का हुक्म दे दिया और पंजाब के मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत भी जारी की। अब आपको बताते चले कि इसराइल का ईरान पर हमला मौखर करने का इम्कान। इसराइल का ईरान पर हमला मौखर किए जाने का इम्कान। इसराइल ने रवां हफ्ते दोबारा जनूबी जमले की तैयारी करके हमला मौखर कर दिया। इसराइल ने रवां हफ्ते में दोबारा जवाबी हमले की तैयारी करके हमला मौखर कर दिया। 23 अप्रैल तक के यहूदी मौसमी त्यौहार की छुट्टियों के सबब ईरान पर हमला मौखर किया जा सकता है। अमरीकी टीवी के मुताबिक इसराइल हुकाम के हवाले से दावा करते हैं कि इसराइल ने रवां हफ्ते दोबारा जवाबी हमले की तैयारी करके हमला मौखर कर दिया। अब आपको बताते चले कि गवर्नर सिंध की ज़ेरे सदारत में कमेटी इजलास का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंह की ज़ेरे सदारत सिंध इंडस्ट्रियल लाइन कमेटी का इजलास मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंह कामरान तसूरी की ज़ेरे सदारत सिंध इंडस्ट्रियल लाइसेंस कमेटी के इजलास में सरमायाकारी के मौके, सनअतों को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए इकदाम समेत SIFC के मनसूबों पर तबादला ख्याल भी किया गया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंह कामरान तसूरी का कहना था कि SIFC मुल्क के माशी मसाइल का हल है। खेल के हवाले से आपको बताते चले पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान पहला वनडे आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वुमेन सीरीज की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। वेस्ट इंडीज टीम ने सीरीज के आगाज से कबल आखिरी ट्रेनिंग सेशन में भी भरपूर जान मारी, जबकि पाकिस्तान टीम की सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की, जिनमें औलिया रियाज, निदा डार और सरदार नवाज और बिस्मा मारूफ शामिल हैं। अब आपको बताते चले खुशाब से, खुशाब में डीलर एसोसिएशन की जानिब से बड़ा जश्न मनाया गया। मलिक शफीक अहमद नाइज कार डीलर एसोसिएशन जोहराबाद जिला खुशाब के बिला मुकाबला सदर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज मदनी मुंतखब होने पर कार डीलर एसोसिएशन के मालकान का बड़ा जश्न। इलेक्शन कमीशन मोहम्मद इकबाल ने कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवार को बिला मुकाबला मदरजिल ओहदे के बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिनमें मलिक शफीक अहमद नाइज सदर, मोहम्मद नवाज मदनी ऐवान, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद कासिम सुहेल ऐवान को सीनियर नायब सदर, जबकि वसीम हसन जोया नायब सदर के ओहदे पर मुंतखब हुए हैं, जिस पर तमाम कार डीलर एसोसिएशन जोहराबाद जिला खुशाब के नौ मुंतखब ओहदेदारान पर फूल की पत्तियां भी निछावर करते हुए फूलों के हार और माला भी पहनाई। अब आपको बताते चले कमालिया से, कमालिया लारी अड्डे में कई दिनों से सुई गैस के पाइप पड़े हुए हैं जो आए दिन हादसे का बायस बन सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं गुलाम रसूल से। अजी गुलाम रसूल, बताइएगा कि क्या तफ़सीलात हैं आपके पास। जी, तफ़सीलात के मुताबिक लारी अड्डा कमालिया में कई दिनों से ये सुई गैस के पाइप पड़े हुए हैं जो हादसात का बायस हैं। लारी अड्डा कमालिया यहाँ पर कारों और बसों का स्टैंड है और यहाँ पर बुरेवाला और मर्सी वगैरह से आकर जो लाहौर जाने वाली बसें वहाँ पर रुकती हैं, वहाँ पर गैस के पाइप एक माह से रख दिए गए हैं और आए रोज़ यहाँ रोड ब्लॉक रहता है और पाइपों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। इंतजामिया ने एक महीने से यहाँ पर होने वाले एक्सीडेंट का कोई नोटिस नहीं लिया, शायद के इंतजामिया किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। यहाँ पर कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो और तभी इन पाइपों को उठाया जाए। राणा गुलाम रसूल, तस्वीर रिपोर्टर, NAN24 न्यूज़, कमालिया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN24 न्यूज़ ST, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अम के साथ।